केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध और दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर 27 नवंबर से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में ट्रैक्टर महारैली और महासभा का आयोजन रतलाम शहर में किया गया। करीब 1000 ट्रैक्टरों और हजारों की संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का नेतृत्व पूर्व मंत्री एवं सांसद सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व कृषि एवं प्रभारी मंत्री सचिन यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया, जिलाध्यक्ष राजेश भरावा, विधायक हर्ष विजय गहलोत, मनोज चावला समर्थक सहित जिले के वरिष्ठ नेता और शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन शेरानी ने किया। ट्रैक्टर महारैली की शुरुआत अलकापुरी चौराहे से हुई, जहां पूर्व कृषि एवं प्रभारी मंत्री सचिन यादव ने स्वयं ट्रैक्टर चलाया। उसी ट्रैक्टर में पूर्व मंत्री एवं सांसद सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश भरावा और आलोट विधायक मनोज चावला, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी भी सवार थे। सेलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत ने भी दूसरा ट्रैक्टर चलाया, जिस पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया बैठे थे और अन्य ट्रैक्टरों पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सवार थे। ट्रैक्टरों के पीछे सैकड़ों की संख्या में बाइक पर सवार युवा और बुजुर्ग तथा महिलाएं भी हाथों में कांग्रेस का झंडा थामे निकले, जहाँ पर रैली सेलाना बस स्टैंड, गायत्री टॉकीज रोड शहर सराय और लोहार रोड, चांदनी चौक चौमुखीपुर, नाहरपुरा कॉलेज रोड होते हुए दोबत्ती पहुंची। दोबत्ती पर हुई महासभा में ट्रैक्टर ट्रॉली में ही मंच बनाया गया। कांग्रेस सभा में आए सभी वरिष्ठ नेताओं और अतिथियों का स्वागत फल भेंट करके किया गया। इस पर वरिष्ठ नेताओं के साथ ही एक किसान खड़ा किया गया, जो जंजीरों में जकड़ा रहा, जिसने हाथों में पूंजीपतियों के हाथों के जकड़ा किसान लिखा हुआ था एक तख्ती पकड़कर अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, जहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर अध्यादेश निरस्त करने की मांग की और सभा स्थल पर ही कांग्रेस नेताओं ने संबोधन समाप्त होने के बाद शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समस्या उभर के आ रही है, पेट्रोल डीजल गैस, इसके लिए आप ऐसा स्थायी आंदोलन क्यों खड़ा नहीं करते जैसे अभी कर रखा? देखिए बात अभी किसानों की, यदि हमने ये किया तो किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ेगा। जो फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की थी, वही बीजेपी अपनाना चाह रही है। देखिए आप उनका क्या नाम है, सिरसा किसान आंदोलन के प्रणेता, उनको नोटिस दे दिया। तो ये तो चाहते ये हैं कि कोई पैरेलल आंदोलन और खड़ा हो और ये आंदोलन डाइवर्ट होके कमजोर पड़ जाए। किसान आंदोलन के बाद महंगाई के ऊपर हम करें। किसान नेताओं को जो नोटिस दिए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या वो ये किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश में? देखिए बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई, वही दमनकारी नीति। हमारे ही जवान अंग्रेजों की फौज में भर्ती थे, उनसे ही हमारे जवानों की छाती पर गोली मारी गई। वही अब जो प्रशासन है, प्रशासन के अधिकारियों को और संविधान की आड़ लेके उन किसानों को तोड़ने की कोशिश है कि हम कैसे भी तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, इसलिए आंदोलन खत्म करो। लेकिन किसान कसम खा के आया है कि अब हम जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, हम अपने या तो काले कानून वापस जाए या हम घर वापस। केंद्रीय कृषि मंत्री का तो कहना है कि वो जल्दी इसको खत्म करवा लेंगे। और कृषि में तो मैंने तो अभी भाषण में कहा कि नरेंद्र तोमर जी, तुमसे अच्छी तो हरसिमरत कौर थी जो आपसे पहले कृषि मंत्री थी। जैसे तीनों काले कानून है, उसने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तुम तो हमारे प्रदेश की हो, तुमसे अच्छी मर्द तो वो महिला है। तुम अपने आप को किसान का बेटा जरूर कहते हो, पर किसान की हत्या का दोष तुम पे और नरेंद्र मोदी। हो सकता है कि जो बीजेपी ने किया वो कांग्रेस कर दे, इसका क्या मतलब है? देखिए हम उस बात के खिलाफ हैं, जो उस कदम के खिलाफ है जो लोकतंत्र की हत्या की तरफ, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। ये सारे देश ने अपनी आंखों से देखा है। मैं तो अपने भाषण में बोलता हूँ
कि बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा भी इस समय दुखी होगी। ऊपर उन्होंने कानून में लिखा जरूर था कि कोई विधायक या सांसद मर जाए तो 6 महीने में वहाँ का चुनाव करा लेना था, उन्हें क्या पता कि विधायक और सांसद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रतलाम से राकेश चौहान की रिपोर्ट।